भोपाल की लोकायुक्त टीम ने विदिशा जिले की पठारी तहसील के राजस्व निरीक्षक कार्यालय पर छापा मार राजस्व निरीक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। टीम ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। पठारी तहसील के राजस्व निरीक्षक कार्यालय में भोपाल के लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा, जिसमें पठारी राजस्व निरीक्षक राकेश जाटव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। लोकायुक्त टीम का नेतृत्व कर रहे निरीक्षक डॉक्टर सलील ने बताया कि 12 जून को फरियादी धन्वंतरी नगर जबलपुर निवासी दिनेश परमार ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को आवेदन सौंपा था। आवेदन में फरियादी ने शिकायत की थी तहसील पठारी के ग्राम सतो में आवेदक के पिता गोपाल परमार की कृषि भूमि है, जिसका बटांकन और सीमांकन के लिए राजस्व निरीक्षक राकेश जाटव के द्वारा 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने शिकायत का सत्यापन कर टीम गठित की। फरियादी ने आरोपी राजस्व निरीक्षक राकेश जाटव को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाया, जिसमें 20,000 रुपये की राशि बाद में देना तय किया गया, जिसके पास आवश्यक दस्तावेज भी जब्त किए गए। राजस्व निरीक्षक राकेश जाटव के ट्रेप होने के बाद लोकायुक्त टीम ने लगभग 5 घंटे कार्यवाही की, जिसमें आरोपी पर रिश्वत लेने का मामला दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/1988 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। नरसिंहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। निरीक्षक लोकायुक्त संगठन भोपाल डिवीजन भोपाल से हूँ। 12 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदया भोपाल को दिनेश परमार निवासी धन्वंतरी नगर जबलपुर के द्वारा ये आवेदन पत्र दिया गया था कि उसके पिता गोपाल परमार की यहाँ पे जमीन है, जमीन मथुरापुर यमन दो गांव में जमीन, इसका बटांकन एवं सीमांकन किया जाना है। और बटांकन एवं सीमांकन के लिए यहाँ के जो RI हैं उनके द्वारा संपूर्ण कार्रवाई के लिए 30,000 रुपये की मांग की गई है। शिकायत का सत्यापन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कराया गया। शिकायत सत्यापन में सही पाए जाने पर आज हमारे द्वारा कार्रवाई के प्रारंभ में 10,000 रुपये इनको लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि जो 20,000 रुपये बाद में देना तय हुआ, संबंधित दस्तावेज इनसे जब्त किए हैं एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7/1988 की कार्रवाई की गई है। विवेचना अभी जारी है। इनके घर पर सर्च सागर की टीम करने गई हुई है। अच्छा, घर पर भी चल रही? जी हाँ। इसमें और भी कोई है? अब ये विवेचना का विषय है। यदि इसमें और कोई भी आएगा तो वो आरोपी बनेगा।